हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा कावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। मेरे जो रेगुलर वीडियो देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स अभी काफ़ी बड़े हैं, लोगों के कमेंट्स काफ़ी आते हैं। तो अभी मैं एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, मेनली जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जो इनफर्टिलिटी से सफ़र हो रहे हैं, जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, खास वो लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो मेनली इनफर्टिलिटी रिलेटेड है कि डायग्नोस्टिक लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी यानी क्या है। लैप्रो यानी क्या कि आपका पेट, हिस्ट्रो यानी क्या कि यूट्रस का अंदर का कैविटी, और स्कोपी यानी क्या देखने का। तो जब भी किसी कपल को मानो एक साल हो रहा है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब उनका ओवुलेशन हो रहा है, मानो वो पेशेंट के अंडे बन रहे हैं, हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस भी नॉर्मल है, हार्मोन का टेस्ट भी नॉर्मल है, एएमएच भी नॉर्मल है, एचएसजी करा जिसमें ट्यूब्स भी उनके ब्लॉक नहीं है, स्टिल उन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो केसेस में गायनेकोलॉजिस्ट उनको हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। अभी वो क्यों करना है? बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर, सब रिपोर्ट्स हमारे नॉर्मल है, ट्यूब्स भी खुली हुई है, तो सच में ये करना जरूरी है क्या? आइडियली हाँ, आपको करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एट एक्चुअल जाके चेक करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रेगनेंसी होने के लिए आपको बेसिक फर्टिलाइजेशन का फिजियोलॉजी तो पता है कि ओवुलेशन होने के बाद वो अंडा रिलीज हो जाता है और ट्यूब का जो फिम्ब्रियल एंड है वो अंडे को पिकअप करता है, और फिर स्पर्म यूट्रस के थ्रू ट्रैवल होके फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करते हैं। दोनों मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में और वो फर्टिलाइज बेबी डे 5 को यूट्रस में आके चिपकता है। ये हो गया इंटरनल पार्ट, लेकिन वो ट्यूब का और ओवरी का रिलेशन नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मानो कैविटी पेटेंट है, लेकिन ट्यूब कहाँ पे चिपकी हुई है, या ट्यूब को स्वेलिंग है, या ओवरी कहीं पे चिपकी हुई है, तो ओवरी से अंडा तो रिलीज हो रहा है लेकिन ट्यूब उसको पिकअप नहीं कर पाती और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जो कि अपने को एचएसजी से या सोनोग्राफी से नहीं पता चलता। तो लैप्रोस्कोपी में हम लोग एट एक्चुअल चेक करते हैं कि मानो कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है ना। ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि पेशेंट्स में निकलती है। पेल्विक ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत ही कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का। फिर और एक कॉमन प्रॉब्लम दिखता है, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं हम लोग, ये हार्मोनल इम्बैलेंस का पार्ट है। नॉर्मल जो गद्दी रहती है, एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं हम लोग यूट्रस के अंदर, वो बाहर जाके अदर देन यूट्रिन कैविटी पेट में, ओवरी पे, ट्यूब्स पे, पेल्विस पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, और उसकी वजह से अंदर सब चिपका चिपकी हो जाती है और ये रिलेशन, ट्यूबोवेरियन रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी छोटे छोटे अडेजन्स रहते हैं, वो अडेजन्स की वजह से भी ओवुलेशन होता है लेकिन ट्यूब वो अंडे को पिकअप नहीं कर पाती, यूट्रस का पोजीशन चेंज हो जाता है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं जो सोनोग्राफी में और एक्सरे में पिकअप नहीं होते, जो हम लोगों को लैप्रोस्कोपी में पता चलते। अभी हिस्ट्रोस्कोपी का फायदा क्या है? हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रो यानी यूट्रस, स्कोपी यानी देखने का। हम लोग जो यूट्राइन कैविटी है जिसमें बच्चा आके चिपकता है और 9 महीना वो कैविटी में बच्चा ग्रो होता है, तो वो कैविटी हम लोग चेक करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी। बहुत टाइम ऐसे छोटे छोटे बीच में पर्दे रहते हैं, उसको सेप्टम बोलते हैं हम लोग, या यूट्रस का शेप थोड़ा सा अलग रहता है, मतलब बनते वक्त ही वो यूट्रस का शेप अलग रहता है, जिसको बाइकॉर्नेट आर्कियोट यूट्रस बोलते हैं, या फिर अंदर कभी कभी पॉलिप रहते हैं, छोटे छोटे गठन रहते हैं, या फिर सब म्यूकस फाइब्रॉइड रहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे अडेजन्स रहते हैं जो कि ट्यूब का ओपनिंग जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे वो छोटे छोटे फ्लिम्सी अडेजन्स बोलते हैं, यानी अपने बालों के जैसे पतले अडेजन्स रहते हैं जो जनरली सोनोग्राफी में हम लोगों को नहीं दिखते, और उसकी वजह से स्पर्म ट्यूब में एंटर ही नहीं हो पाते, या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, या फिर इन्फेक्शन रहता है यूट्राइन कैविटी के अंदर भी, जिसको हम लोग ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम जो हिस्ट्रोस्कोपी में पिकअप होती है, तो ये फायदा है अपने को हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी का। तो बेसिकली अभी ये कैसे करते हैं? जनरली ये एक छोटा सा ऑपरेशन है, अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, क्योंकि पेशेंट को एचएसजी करने के बाद बहुत ज़्यादा फोबिया हुआ रहता है कि एचएसजी में पेन होता है, इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर, तो पेशेंट को डर लगता है कि इसमें भी पेन होगा क्या। नहीं, इसमें टोटली पेन नहीं होगा, आपको सलाइन में से इंजेक्शन लगा देंगे डॉक्टर और आपको पूरा नींद आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल एनेस्थीसिया।
एक ऑलमोस्ट एक आधे घंटे का ऑपरेशन है, एक 5 मिलीमीटर हाफ सेंटीमीटर के कट आते हैं आपको अम्बिलिकस के यहाँ पे और साइड में एक, और अंदर जाके हम लोग पेन के जैसे कैमरा पेट में जाते हैं और हम लोगों को पूरा टीवी पे दिखता है, हम लोग पूरा चेक करते हैं आपका यूट्रस ठीक है या नहीं, आपके ट्यूब ठीक है या नहीं, आपके ओवरीज ठीक है या नहीं, ट्यूब को स्वेलिंग तो नहीं है ना जिसको हम लोग हाइड्रोसेल्पिंग बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस तो नहीं है ना, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है ना, या कुछ अडेजेंस तो नहीं है ना, सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन नॉर्मली जैसे चाहिए वैसे मेंटेन है या नहीं, वो सब चीज़ें चेक हो जाती। सेम हिस्ट्रोस्कोपी भी सेम रहेगा, सेम सेटिंग में यूट्राइन कैविटी पूरा डॉक्टर अच्छे से चेक करते हैं, और मानो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम निकला तो सेम सेटिंग में उसको ऑपरेट भी करते हैं। वैसे ऑलरेडी आपको और आपके हस्बैंड को एक्सप्लेन करा रहता है, मानो एंडोमेट्रियोसिस निकला तो उसको ट्रीट करेंगे, या फिर हिस्ट्रोस्कोपी में कुछ अडेजेंस वगैरह निकले या पॉलिप निकले तो उसको निकालेंगे, या लैप्रोस्कोपी में अडेजेंस मिले तो उसको कट करेंगे, हाइड्रोसेल्पिंग अगर बहुत बड़ा रहा तो आपको एक्सप्लेन करते, फिर हम लोग वो ट्यूब निकालने का एडवाइस करते। तो ये सब सेम सेटिंग में होता है। ट्यूब अगर आपके ब्लॉक रहे HSG में, कॉर्नियल ब्लॉक यानी जहाँ से ट्यूब स्टार्ट होती है वो ब्लॉक हम लोग इजीली निकल पाते हैं, फिर से डाई पुश करते हैं, या कैनुलेशन एक प्रोसीजर आती है कि जिसमें हम लोग सॉफ्ट गाइड वायर पास करके वो जो ब्लॉक हुआ है उसको ओपन करने का ट्राई करते हैं। तो ऑलमोस्ट 60% केसेस में जो ब्लॉक ट्यूब हम लोगों को एक्सरे में दिखती है HSG में दिखती है वो ओपन हो जाते हैं लैप्रोस्कोपी में। एक 40% केसेस में ट्यूब अगर बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो उस केसेस में हम लोग वो ब्लॉक ओपन नहीं कर पाते। तो अगर हिस्ट्रोस्कोपी के बाद लैप्रोस्कोपी के बाद मानो आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक है, डॉक्टर ने बहुत ट्राई करा लेकिन वो ब्लॉक निकल नहीं पाए, तो डॉक्टर आपको IVF सजेस्ट करते। मानो एक ही ट्यूब ओपन हो गई लेकिन एक ट्यूब ओपन नहीं हुई, तो उस केस में आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग एंड IUI या नेचुरल कंसेप्शन सजेस्ट करेंगे। और मानो आपका लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी टोटली नॉर्मल है, एज सच उसमें कुछ भी फाइंडिंग नहीं मिला, एवरीथिंग इज फाइन, तो डॉक्टर आपको एनकरेज करेंगे कि अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से टाइमली इंटरकोर्स, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या IUI अटेम्प्ट कर सकते, तुरंत आपको IVF के लिए जाना नहीं है। सिर्फ ये है कि मानो बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है या Grade 3 या Grade 4 एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें नेचुरल कंसेप्शन या IUI पॉसिबल नहीं है, उस केस में डॉक्टर आपको IVF सजेस्ट करेंगे। अभी ऑपरेशन के बाद में कुछ खास प्रिकॉशन रखना है क्या? एज सच पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर ऑफिस चल रहा है, छुट्टी नहीं मिलेगी, बेड रेस्ट की जरूरत है क्या? एब्सोल्युटली नहीं। लैप्रोस्कोपी सबसे सेफ ऑपरेशन है। इसका मेजर फायदा यह है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट रहती है, आपके पेट को बड़ा कट नहीं आता है, 0.5 सेंटीमीटर के इंसिजन रहते हैं, आप सुबह एडमिट हो जाते हैं, शाम को डिस्चार्ज रहता है, नेक्स्ट डे से आपका ऑफिस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ही मेजर इन्वेस्टिगेशन है आपके इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट का। तो मानो आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में ओवुलेशन अच्छे से हो रहा है, आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट भी नॉर्मल है, HSG में आपके ट्यूब्स ओपन है, आपका हार्मोनल प्रोफाइल मानो AMH, थायरॉयड, प्रोलैक्टिन और बाकी के जो हार्मोन्स हैं वो सब नॉर्मल है, आप ऑलमोस्ट 1 साल से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग विथ टाइम इंटरकोर्स कर रहे हैं, आपकी शादी को 2-3 साल हो गए, स्टिल आपको प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही, और अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि लैप्रोस्कोपी करके देखना पड़ेगा तो इट विल बी द वेरी गुड डिसीजन, तो आपके डॉक्टर को डिनाई मत करो, उनसे आपके जो भी क्वेरीज है वो डिस्कस करो और फिर आगे बढ़ो, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपना ये लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।